हमारे बीच में ब्रज मुखर्जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं और जो रेलवे के अंदर हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा बाबा साहब का दर्द है। सर आज ये 127वीं जयंती भारत इन्हें पूरे विदेश मना रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए कारण तो बहुत बड़ा है जी कि हम इस देश में आज जो भी सुविधाएं, जो भी हक और हकूक लेकर के रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बाबा साहब की देन। बाबा साहब ने संविधान में जो प्रावधान पिछड़ों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रखे, उन प्रावधानों की बदौलत ही आज एससी एसटी ओबीसी समाज जो है वो इतना आगे आज भारत में आ पाया है। वरना तो अब तक इस देश में आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं वो सभी लोग जो है स्वर्णवादी मानसिकता की सरकारें आई हैं। कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जिसने एससी एसटी ओबीसी के बारे में एक प्रतिशत भी उनके अच्छे के लिए सोचो। हम लोग जो ये जयंती मनाते हैं ये हर साल मनाते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार इस जयंती को मनाने का एक अलग जो है उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि पहली बार इस देश में 2 अप्रैल 1918 को एक सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज वायरल होता है कि हम एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है उसके विरुद्ध हम लोग 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद रखेंगे जी। और ये मैसेज आप देखिए कि इस मैसेज को किसी बहुत बड़े लीडर ने लीड नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने लीड नहीं किया, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे मेरे और आप जैसे लोगों ने वायरल किया और एक दूसरे ने इसको फॉरवर्ड करते चले गए और उसका इम्पैक्ट आप लोगों को 2 अप्रैल 2018 को देखने को मिला। तो इस बार जो उत्साह है वो खास तौर पर इसलिए भी है कि पहली बार इस देश को एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने मिलकर के अपना जलवा दिखाया, एकजुटता दिखाई। पहली बार इस देश के शासन को ये सोचने पर मजबूर किया कि हम लोग वाकई ही इस देश की ताकत हैं, वाकई इस देश की जो जनसंख्या उसका 85% है, वाकई हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। अगर हम लोगों के हक और हकूक के साथ या एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जरा भी छेड़खानी की है। ब्रज मुखर्जी अब देखा गया है कि जो हमारी रेल मेल जेल जी, जो एक भारत का उपकर माना जाता था, तो रेल को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होता जा रहा है रेलवे में रिजर्वेशन खत्म होता जा रहा है जी। पहले जो रिजर्वेशन का फार्मूला था वो रोस्टर प्रणाली जो है अडॉप्ट की जाती थी, उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को उसका फ़ायदा मिलता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ समय से सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया है कि जो एससी है, एसटी है, जो ओबीसी है वो सिर्फ अपनी अपनी कैटेगरी में ही रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज़ जाकर के वो बेनिफिट नहीं ले सकता। पहले होता ये था कि जितने लोग जनरल सीनियरिटी में एससी के हैं, प्रमोशन आई भाई इतने लोगों को जो है प्रमोशन दे दी गई, बाकी इतने लोग जो है रोस्टर प्रणाली के तहत रिजर्वेशन के तहत इतने लोग जो है एससी एसटी ओबीसी के नीचे से ऊपर लाए जाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है।
आज सिर्फ जो संख्या है रिजर्वेशन की कि अगर एससी 15% है, एसटी 7.5% है और ओबीसी को जो दिया हुआ है मेरे ख्याल से शायद 22.5 या 27% तो उससे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी प्रमोशन नहीं पा सकते। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए नुकसान होने जा रहा है। आप ये देखिए कि जो 85% देश की संख्या है जी, उसके लिए रिजर्वेशन 49.5% और जो जनरल ओबीसी जो जनरल लोग हैं ठीक है मात्र 15% है, उनके लिए 50% रिजर्वेशन। तो ये सरासर अन्याय है जो बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान रखे थे, उनका सरासर जो है वायलेशन है, दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता वो एट्रोसिटी एक्ट को डिमोलिश या उसमें कोई चेंज कर सके जी। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो मतलब दिखावा कर रही है कि हम लोग जो है रिव्यू पिटीशन डाल दिया हमने, एक्चुअली गवर्नमेंट को रिव्यू पिटीशन नहीं डालना बनता, कायदे से उनको रेजोल्यूशन लाना चाहिए जी संसद में कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हम उनको कंडम करते हैं और एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट जैसे पहले लागू था वैसे ही आगे भी लागू रहेगा। ये सरकार की ड्यूटी बनती है, लेकिन सरकार क्योंकि वो हम लोगों को गुमराह कर रही है, वो नहीं चाहती। आज बहुमत की सरकार है, राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, उसके बावजूद वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं जबकि उनको रेजोल्यूशन लाना चाहिए संसद में कि मतलब संसद में जो है अध्यादेश लाना चाहिए कि ये जो नियम में बदलाव की कोशिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है ये बिल्कुल अमान्य है। धन्यवाद।